महिंद्रा थार और मारुति सुजुकी जिम्नी जल्द ही एक दूसरे को टक्कर देती नजर आ सकती हैं। दरअसल ऑटो एक्सपो में शोकेस की गई मारुति सुजुकी जिम्नी मीडिया के साथ साथ लोगों का भी ध्यान खींचने में कामयाब रही थी। शो में जिम्नी ने खूब सुर्खियां भी बटोरी थी और तभी से कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही ये भारतीय बाजार में दस्तक दे सकती है। महिंद्रा थार के भारतीय बाजार में लॉन्च हो जाने के बाद से अटकलें और भी तेज हो गई कि मारुति सुजुकी अब जिम्नी को भारतीय बाजार में उतारने के लिए जोर शोर से तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसे अगले साल लॉन्च किया जाएगा, लेकिन इस कार की सबसे खास बात यह है कि ये 3D डोर मॉडल के विपरीत इस कार को भारत में 5 डोर मॉडल में बेचा जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया स्पेसिफिक मारुति सुजुकी जिम्नी में न सिर्फ 5 दरवाजे होंगे बल्कि इसमें नई महिंद्रा थार और अपकमिंग फोर्स गोरखा की तुलना में अधिक स्पेशियस केबिन भी मिलेगा। चूंकि नई थार ने खुद को लाइफस्टाइल बेस्ड ऑफ रोडिंग SUV में बदल लिया है, इसलिए जिम्नी में भी लगभग ऐसी ही ड्राइविंग कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी। आपको बता दें, सुजुकी घरेलू बाजार के साथ साथ यूरोपीय बाजार में भी लेटेस्ट जनरेशन जिम्नी की भारी मांग का सामना कर रही है और वैश्विक महामारी के चलते जापान में कंपनी को इसका प्रोडक्शन तय समय सीमा में पूरा करने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक जिम्नी को मारुति जिप्सी के रिप्लेसमेंट के तौर पर लॉन्च किया जाएगा और ये विटारा ब्रिजा और अर्टिगा में मिलने वाले 1.5 लीटर 4 सिलेंडर SHVS पेट्रोल इंजन से लेस हो सकती है। 104.7 PS का अधिकतम पावर आउटपुट और 138 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। जिम्नी में 2-व्हील ड्राइव और 4-व्हील कॉन्फ़िगरेशन दोनों उपलब्ध कराए जा सकते हैं। जहां तक बात जिम्नी की शुरुआती कीमत की करें तो इस कार की शुरुआती कीमत 9.5 लाख रुपए से लेकर 12.5 लाख रुपए तक हो सकती है। आपको बता दें, कंपनी जिम्नी के 3-डोर मॉडल को भारत में ही असेंबल करेगी, जिसके लिए जापान से पार्ट्स भारत लाए जाएंगे, जबकि भारत के लिए स्थानीय रूप से बनाए जाने वाले वेरिएंट को अग्रेसिव प्राइस रेंज के साथ लाया जाएगा। इसे मारुति सुजुकी के प्रीमियम नेक्सा डीलरशिप के माध्यम से बेचा जाएगा। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि मारुति की जिम्नी थार पर भारी पड़ेगी या थार जिम्नी पर।